तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने किचन के लिए ये और ये 200 रुपीज़ में मुझे दो मिले हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। 1 रुपीज़ में मिल रहा था और मुझे इसके साथ मैच कर गया, तो फिर मुझे लगा कि चलो दो आ रहे हैं तो यहाँ पर एक होगा और मैं यहाँ पर भी एक लगा लूँगी, ताकि जो मैं कैन वहाँ पर रखती थी ऑयल का वो हट जाएगा। तो इस वजह से मैंने लगा लिया है। और ये जो है मुझे तीन चाहिए थे, इस तरह के जो सेल्फ हैं वो तीन चाहिए थे, बट अभी मुझे तीन कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। अगर आप चाहो तो दो या फिर चार ही ले सकते थे। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ वाला जो है वो निकाल लेते हैं, बहुत दिन हो गए, पुराना है। और ये जो पीछे जो उसके होते हैं स्टिक करने वाले, ये पुराने ही हैं, पहले वाले के ही मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी लुक आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। सकते हैं इस तरह से अभी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छोटा है लेकिन बहुत सोबर है, तो अच्छा लग रहा है। आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पर भी एक बॉक्स है जो कि इसमें है, अभी मैं बाथरूम में लगाऊंगी। तो बाथरूम का बिफ़ोर और आफ्टर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बाथरूम में भी लगाने हैं। और यहाँ पर देखिए सारा मेस हो रखा है, सारी चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ सोच रही हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर देखिए सोप वाला स्टैंड लगा दिया है, जो कि एक्स्ट्रा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने ऐसे ही रखा था, कुछ यूज़ करना था तो मैंने लगा दिया है। तो अभी मैं सारा सब कुछ लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग कर दी है और यहाँ पर ये दो सेल्फ लग गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ वाइट है हमारा जो टाइल्स हैं, ऑफ वाइट है, तो यहाँ पर ये जो सेल्फ है वाइट है, तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सारी चीज़ें हमारे ऑलमोस्ट हमारी जो बाथरूम में वाइट ही है, तो अलग से यहाँ का सेटिंग कर दिया है। और ये जो यहाँ का ब्रश यहाँ था, ये ब्रश वाला, तो मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ का जो ब्लैक कलर का हमने कांच का लगवाया था, ग्लास वाला, वो हटवा कर मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो है हमारा नैपकिन यहाँ पर रहता था, मैंने उसको हटा कर यहाँ पर कर दिया, नहीं पा रहा था तो इस तरह से उसको खुला एरिया चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ताकि वो सूख भी जाए और अच्छे से सूखेगा। मतलब गिल्ला बार बार होता था, तो बार बार यूज़ होता है तो फिर गिल्ला भी हो जाता है, तो ये सूख नहीं पा रहा था, मैंने हटा दिया है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला एरिया, वाला जो है यहाँ पर बैठ गया है। तो चीज़ें सारी सेट हो गई हैं और यहाँ फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट किया है, थोड़ा बहुत टुकड़ों में शूट किया है, जितना भी हो पाया है वही शेयर करूँगी आज आपके साथ। पता नहीं ये ब्लॉग कब जाएगा, कब मैं एडिट करूँगी, लेकिन फिर भी मन किया कि चलो ब्लॉग बना लेते हैं। वैसे मन नहीं कर रहा है, कभी मन होता है तो उठा लेती हूँ कैमरा, वरना ब्लॉग जो है नहीं बना पा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे, क्योंकि बच्ची जब बीमार होती है तो उसी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उसी के ऊपर मतलब वो पहले से ही खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो है, तो वो खाती पीती बिल्कुल नहीं है। तो फिर अब तो उसके ऐसा हो जाता है, बीमार जब पड़ जाती है तो वो खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ ही देती है, तो इसी चक्कर में उसी के पीछे पड़ना पड़ता है मुझे। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। तो वही सब कुछ चल रहा है, थोड़ा बहुत टुकड़ों में मैंने जितना भी हो पाया उतना शूट कर लिया है, वही आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, जितना भी है मेरे पास क्लिप्स पहले से बना कर रख रही हूँ, तो वही एक ही ब्लॉग में सारी जो क्लिप्स हैं वो ऐड करके शेयर कर दूँगी। पता नहीं हर बार ऐसा ही होता है, जब भी मैं कंटिन्यू बने रहने की बात करती हूँ आप लोगों के साथ, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं ब्लॉगिंग जो है बीच में स्किप कर देती हूँ। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो क्या ही कर सकते हैं, लाइफ है, जैसा अप एंड डाउन आते रहेंगे लाइफ में, तो जैसा है वैसा उसको जीना पड़ता है। अल्लाह ने जो दिया है, जैसा दिया है, सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है, तो उसी को उसी के साथ जीना पड़ता है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सैटरडे का दिन था और अजमा के फ्रेंड्स आए थे मिलने के लिए, स्कूल और कॉलोनी दोनों के ही फ्रेंड हैं, यानी कि
हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं, साथ में स्कूल में भी जाते हैं। आजमा के जो बाजू में बैठा हुआ है वो आजमा का क्लासमेट है, और जो अपोजिट में बैठा है वो आजमा से जूनियर है। तो यहाँ पर बैठकर खेल रहे थे और मैं उनको बहुत देर तक, मैंने मतलब उनको रोक कर रखा था दरवाजे में कि वो अंदर ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आजमा बुखार में थी। वैसे तो रात से नहीं था उसको, फीवर बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं फिर भी नहीं चाहती थी कि बच्चे एक साथ मिले बैठे, क्योंकि अभी आजमा बीमार है तो दूसरों को, बच्चों को भी बीमार करना सही बात नहीं होती है इस वजह से। लेकिन बच्चों ने मुझे कहा कि आंटी थोड़ी देर के लिए हम लोग आएँगे, थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएँगे, थोड़ा आजमा से मिलकर जाएंगे, आजमा स्कूल नहीं आई है। तो फिर मुझे लगा कि चलो बच्चों को इस तरह से नहीं रोक के रखते हैं, तो इस वजह से मैंने ले लिया। और यहाँ पर वाइट टी शर्ट में जो लड़का है उसने मुझे बोला कि आंटी हमारा व्लॉग बनाना, और मुझे कहा कि आंटी मेरा थंबनेल पर ही फ़ोटो डाल देना, तो मुझे अच्छा भी लगा, तो इस वजह से मैंने बनाया है। और मैंने उससे पूछा भी कि आपके पेरेंट्स क्या आपको अलाउ करेंगे यूट्यूब पे आने के लिए, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप डाल देना। वैसे भी बर्थडे में थोड़ा बहुत ही मैंने इसको दिखाया भी था, तो सोचा कि चलो व्लॉग में ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की मस्ती भी चल रही है, व्लॉग भी बन रहा है। तो बच्चों को मैंने यहाँ पर किचन के बाजू वाली रूम में ले लिया था, तो बच्चों को ये साथ में बातें करते हुए यहाँ पर मैं कुकिंग कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वजमा से ज़्यादा मिले जुले, तो इस वजह से। और यहाँ पर आज मैं कुछ नई डिश बना रही थी, पंजाबी दाल, क्योंकि वही दाल खा खा के ना हम लोग बोर हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने दाल गला ली है, और अजमा के पापा के लिए मैंने जो लहसुन वाले लड्डू बनाती हूँ वो बना कर रख लिए हैं यहाँ। तो बच्चे जो है 2:30 बजे शायद से गए थे, और उनके जाने के बाद आजमा ने लंच किया, सब कुछ हो गया। फिर आजमा जब दोपहर की दवा लेकर सोई तो फिर उसको एकदम से तेज़ बुखार आया, और इतना तेज़ बुखार था, 102 बुखार था, बिल्कुल भी उतर नहीं पा रहा था, दवाई देने के बाद भी नहीं उतर रहा था। तो फिर मुझे डर लगा, तो फिर आजमा के पापा ने, मतलब डॉक्टर जो है 6 बजे आ जाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि देरी नहीं करते हैं, ले जाते हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर अभी लेकर आए हम लोग डॉक्टर के पास। तो अचानक से फिर से बुखार आई, तो मुझे ज़्यादा डर लगा था, आजमा के पापा भी डरने लगे, एकदम से कम हो गई थी फिर अचानक से आई, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर घर आने के बाद यहाँ पर इडली की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी, सैटरडे का दिन था, मैंने दोपहर में ही सारी चीज़ें भिगो कर रखी थी। तो अभी यहाँ पर मैं पीस रही हूँ उड़द की दाल, इडली का जो रवा था उसको धोकर रख लिया है, और अजमा का बहुत ज़्यादा फेवरेट है इडली, वो हमेशा बहुत शौक़ से खाती है, घर में बनेगी तो और ज़्यादा शौक से खाती है। यहाँ पर मैंने उड़द की दाल में थोड़े से जो साबुदाने होते हैं वो भी डाले हुए हैं, ताकि जो इडलियाँ हैं वो एकदम वाइट वाइट बने। तो यहाँ पर वही भिगो दिए थे, अब इसको अच्छे से धोकर फिर से पीस लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इडली का जो बैटर है वो तैयार हो चुका है, तो मैंने इसको तैयार कर दिया है। बस अभी यहाँ पर ये, इस बार मैं वड़ा भी बनाने वाली हूँ, तो ये वड़े का भी बैटर तैयार है, बस इसको रखना है फ्रिज में, तो हम रखेंगे फ्रिज में खा के। यहाँ पर मैंने बर्तन भी सारे धुल दिए हैं, बस इसको बंद कर देते हैं, बारिश होने लगी है। तो यहाँ पर देखिए, अजमा के पापा ने ऑनलाइन फ़ैन मंगवाया था, टेबल फ़ैन, जो कि आज रिसीव हुआ है सैटरडे के दिन। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह ही आया था, तो फिर लेकर रखा था मैंने, और यहाँ पर इस फ़ैन को जो है डिलीवरी बॉय जो था उसी ने मतलब इसको अनबॉक्सिंग करके दिया था। और अभी यहाँ पर अजमा के पापा जो है असेंबल करके देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ें जो है सही से है नहीं है, क्योंकि अब आजकल जो है डिलीवरी बॉय जो है उन्होंने मतलब खोलकर सारी चीज़ें देखकर फ़ोटो वगैरह लेकर जाते हैं। अगर आपको चीज़ें जो है 1000 रुपीज़ के ऊपर ऑनलाइन कुछ भी आप मंगवाते हो, तो यहाँ पर अभी वही मैं और अजमा के पापा थोड़ा सा चेक कर रहे थे कि ये जो फ़ैन है सही से चलता है नहीं चलता है, क्या इसकी मतलब क्या क्या इसमें है नहीं है, वही सब कुछ चेक कर रहे थे, क्योंकि चेक करना ज़रूरी था, क्योंकि ये फिर सही से रहेगा तो ये शॉप पे ले जाएंगे, वरना ये मतलब रिटर्न करेंगे। फ्रेंड्स, रात में सारे बर्तन में धोकर सोई थी, यहाँ पर लगा दिया। तो चलिए, आप सांभर के लिए मुझे कुकर चाहिए, ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सुबह उठने के साथ, आज संडे था, तो यहाँ पर मैं सांभर के लिए दाल चढ़ा रही हूँ, और इसके बाद मुझे ना कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया, क्योंकि अचानक से आजमा जो है ठीक होती है, फिर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो कभी मन करता है ब्लॉग बनाने का और कभी नहीं करता। यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्राइपॉड लगाया है,
यहाँ से ऊपर एक ट्राइपॉड आ चुका है और यहाँ से मैंने एक ट्राइपॉड रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह की हमारी मेहनत होती है, चीज़ों को रखना पड़ता है इन सारी चीज़ों को वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक हेल्पिंग हैंड नहीं है, कुछ सारा चीज़ें जो है मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो वही सब कुछ चल रहा है। सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पर अजमा को बोल रही हूँ कि एप्पल खा ले, एप्पल खा ले। वो एप्पल नहीं खाना चाहती, उसका जूस पीना चाहती है। तो चलिए उसको बनाकर दे देते हैं जूस। सभी मैं यहाँ पर गैस को ऑन कर रही हूँ ताकि हल्का सा मैं दूध को गर्म कर लूँ, क्योंकि ये फ्रिज का दूध है। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा गुनगुना गर्म कर लेंगे, फिर इसका जूस बना लेंगे। अभी मैं इसको ब्लेंड करूंगी। अभी मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है हल्का सा, तो थोड़ा सा मैं इसमें दूध और ऐड करूंगी तो ब्लेंड हो जाएगा। और अब हम इसमें जो हमारा बचा हुआ दूध है वो भी ऐड कर देंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। तो जूस हमारा तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉ धोकर रखा है। ये जो स्ट्रॉ है अजमा को, अजमा की पप्पू ने, बहुत छोटी सी थी, तकरीबन 3-4 साल की थी, तब उसको बहुत ज़्यादा फ्रोज़न का क्रेज़ था। उसकी स्कूल की बैग, हर चीज़ उसके पास फ्रोज़न की हुआ करती थी। तब उसके भाई ने और पप्पू ने मिलकर उसे बॉम्बे से लाया था। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।